नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। आज हमारे बीच में है अंबेडकर सभा के दिल्ली के अध्यक्ष श्री केपी सिंह जी। आप हमें बताएंगे अंबेडकर जी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में। उन्हीं के पूछते हैं केपी सिंह साहब। अंबेडकर साहब के बारे में कुछ रोशनी। सबको साथियों जय भीम। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबा साहब भारत के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, और बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर उन्होंने सभी का ध्यान रखा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, स्त्री हों, पुरुष हों, स्वर्ण हों, अछूत हों, दलित हों, और उन सब के लिए भागीदारी का उन्होंने संविधान के अंदर प्रावधान रखा। तो उसके हिसाब से बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है वो पूरे साल लगभग मनाया जाता है, और ख़ास तौर से अप्रैल और मई के महीने में बाबा साहब की जयंती विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मनाई जाती है, जिसका उद्देश्य है कि बाबा साहब के विचारों को लोगों तक फैलाना, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, बाबा साहब का जो सपना था भारत को आधुनिक भारत बनाने का, उसको सबको उस संविधान को उसको संविधान के हिसाब से पूरा करना, जिस तरह से संविधान के अंदर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और एकता, बंधुत्वता, समता के ऊपर हमारा संविधान है, और यदि हम उसी का ही उपयोग करें, यदि उसी को ही हम लागू कर पाएँ देश के अंदर, तो देश में पूरी तरह से देश अखंड होगा, सर्वशक्तिशाली होगा, और देश के ऊपर कोई भी आँख उठा के नहीं देख पाएगा। समाज के सभी वर्ग, चाहे वो अशिक्षित हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, वो सबको न्याय मिलेगा, सबको समानता मिलेगी, और शुद्ध मायने में जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो शुद्ध मायने में लागू हो पाएगी, और हमारा देश सर्वशक्तिमान देश बनेगा भारत बाबा साहब के विचार पर चलते हुए। और जो बाबा साहब का दिया हुआ दर्शन है, जो बाबा साहब का दिया हुआ ज्ञान है, उस पर हम सभी को चलना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में ये अम्बेडकर सभा दिल्ली बाबा साहब के जन्म को मना रही है। अपने समाज के लिए ये है कि जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसको जीवन में लाने की जरूरत है, उसको उतारने की जरूरत है, और सिर्फ ये कहने से मात्र से ही नहीं होगा। जब तक हम पूरी तरह से समाज में इस चीज़ों को नहीं फैलाएंगे, लोग इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, लोग अपने तन मन से इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब का सपना भारत को सर्वशक्तिमान बनाने का, भारत में एक सर्वशक्तिमान लोकतंत्र स्थापित करने का सपना पूरा तभी होगा जब हम सब लोग इसको पूरी तरह से लागू करेंगे, मानेंगे बाबा साहब की विचारधारा को। अच्छा, हमारे लोग इसको ऐसा है कहाँ समझते हैं अपने आप? हमारे लोग ऐसा है जब समझते हैं जब भारत के संविधान को लागू नहीं किया जा सकता, जो संविधान के अंदर न्याय, समता, मैत्री, एकता, एक का जब जहाँ परिपालन नहीं होता, जहाँ भी कानून का पूरी तरह से पालन नहीं होता, वहाँ हमारे लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। ये थे हमारे पास केपी सिंह साहब, जो कि यानी कि अंबेडकर जैसे हमारा इस समय चल रहा है, और इसके बारे में जितने भी यानी कि बातें चल रही हैं, हमारा समाज पिछड़ता चला जा रहा है, कहाँ कमी समझते हैं आप? कमी कहीं पर भी नहीं है। बाबा साहब का मिशन हमेशा जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनके हिसाब से चला है और आगे चलता रहेगा। जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने बाबा साहब के नाम को ख़त्म करने के लिए, बाबा साहब को पीछा करने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। उन्होंने गांधी जी को आगे बढ़ाया, बाबा साहब को पीछे हटाने में कोई कसूरी नहीं छोड़ी, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के नाम को पूरी दुनिया में ऊपर तक पहुंचाएंगे, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारा बाबा साहब का मिशन अराजनैतिक है, और हम हर दृष्टि में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। बाबा साहब ने जैसे कहा है, संगठित बनो, एकता रखो और शिक्षित बनो, इस विषय में यानी कि आज हमारे कहाँ कमजोरी समझते हैं? कमजोरी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, सरकार ने जो आम आदमी हैं, जो गरीब तबके का लोग हैं, उनके लिए शिक्षण संस्थाएं में किसी प्रकार का ऐसा नहीं छोड़ा जिस प्रकार से वो शिक्षित हो सकें। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारी जो 14 साल तक के बच्चों के लिए है, लेकिन जैसे ही बच्चा 14 साल का बड़ा होता है, 12th क्लास करेगा,
वो बीटेक करना चाहे, एमबीबीएस करना चाहे, कहीं टेक्निकल करना चाहे, एमबीए करना चाहे, आईएएस आईपीएस बनना चाहे, तो आज सरकार ने उसको इतनी महंगी कर दी है शिक्षा कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। और ऐसी दृष्टि को देखते हुए ये आवश्यकता है कि उन लोगों को आर्थिक रूप से इतना सक्षम बनाया जाए और जो एजुकेशन है हमारी फ्री एंड कंपलसरी और एक जैसा सिलेबस हो। ये जो दुकानें खोल रखी हैं शिक्षा की, जो शिक्षक माफिया हैं, उन्होंने एजुकेशन को ऐसा कर रखा है कि गरीब आदमी अपने बच्चे को आज डॉक्टर बनाना चाहे, इंजीनियर बनाना चाहे, आईएएस बनाना चाहे, आईपीएस बनाना चाहे, तो इतना आसान उसके लिए नहीं रह गया। आज व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच करके भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बच्चा उस स्तर तक नहीं पहुँचता तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। अच्छा, जैसे कि हमारे समाज में जैसे हरिजन समाज है, जाटो समाज के जितने भी लोग, इनको कैसा करने की क्या जरूरत? देखिए, जो हरिजन जाटव का शब्द दिया है, कभी जाटव ने अपने आप को जाटव नहीं माना। वो संपूर्ण समाज के जितने दलित समाज है वो हमारा एक समाज है। हम अपने आप को जातियों में नहीं बांटते। बाबा साहब का मिशन केवल किसी जाति विशेष से नहीं था। बाबा साहब ने केवल एस सी एस टी के लिए ही नहीं किया, इस देश की जो संस्कृति है उसमें महिलाओं के लिए, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, आज राष्ट्रपति बनी हैं, मंत्री बनी हैं, मुख्यमंत्री बनी हैं, राज्यपाल बनी हैं, वो उन्हीं की देन है। और उसमें बाबा साहब ने दलितों से ज़्यादा महिलाओं के लिए किया, क्योंकि महिलाओं को घर की शोभा माना जाता था। जब तक भारतीय संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब के उस संविधान के अनुसार उन महिलाओं को मान सम्मान मिला है। ये बातें उन सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी समझना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को वहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं सरकार नाकाम रही है, जिसको हम लोगों को मिलकर पहुँचाना है। ये थे हमारे साथ में दारा सिंह जी, जो हमारे बाबा साहब के बारे में बता रहे थे और हमारे समाज के बारे में कई अच्छी बातें बताई हैं। हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ में हैं अंबेडकर सभा के कोषाध्यक्ष श्री नानक चंद जी। हम नानक चंद जी से पूछते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ विशेष बातें। नानक चंद जी, हम जानना चाहते हैं कि अंबेडकर जी की कोई ऐसी विशेष बात बताएं जो हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कुछ उन्होंने विशेष यानी कि। बाबा साहब ने दलित समाज के नहीं, पूरे समाज के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा है, आज जो महिलाएं बराबरी का 50% आरक्षण की मांग करते हैं, जो 33% बाबा साहब की देन है, जो महिलाओं ने इतनी तरक्की की है, जो सर्विसों में आई हैं, पहले महिलाएं दबी कुचली रहती थीं, अब महिला बराबर के हकदार हैं। और उन्होंने आपके जमीन से लेके सभी में महिलाओं को पूरा राइट दिया कि महिलाएं हमारे साथ आएंगी, हमारे साथ बैकवर्ड एस सी एस टी के साथ साथ उन्होंने सारे सर्व समाज की उनकी कल्पना थी कि ये समाज मतलब बढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। उनका जो सपना था कि जो हमारे दलित हैं, बैकवर्ड हैं, वो बहुत सताए जाते हैं समाज के द्वारा, उनका शोषण किया जाता है, उनके उनके मार्गदर्शक से आज हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम आगे और बढ़े। अभी पीछे जो 2 अप्रैल का भारत बंद था, उसमें हमने देखा कि हमारे लोग एकजुट हुए, जिससे कि सारे देश को में हलचल हो गई कि भाई ये लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते थे। तो देखिए, जब परिस्थिति आती हैं हम एकजुट हो सकते हैं। हमारा समाज, चाहे कोई भी किसी कास्ट, हम लोगों को बांट रखा है कास्टों में कि भाई आप इस कास्ट से हैं, इस कास्ट से हैं, इस कास्ट से हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम दलित हैं तो दलित ही हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण हैं, हम दलित हैं तो दलित हैं। हमारे लोगों में डिवाइडेड कर रखा है कि जिससे कि हम लोगों में आपस में फूट पड़ी रहे और एकजुट ना हो सकें। अब लोग सारे समझ चुके हैं, लोगों की समझ में आ गया है कि भाई के लोग हमारे, जो लोग हमारे लोगों का शोषण करते हैं, और वो सारा कुछ जान गए हैं कि भाई हम एकजुट हों तभी। बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था कि हम शिक्षित हों, शिक्षित होंगे तभी हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो संघर्ष कर सकते हैं। अब हम संघर्ष करने लायक हो चुके हैं। धन्यवाद। हम समाज के लोगों को, समाज के हम लोगों को हम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज एक भाईचारा बना के रखे, एकजुटता बना के रखे, सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करे। सबसे हमारा मेन हथियार है शिक्षा का। सारे बच्चे, चाहे हम एक बार को रोटी ना खाएं, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, जिससे कि हम कंपटीशन में लोगों के साथ बराबरी कर सकें। ये थे हमारे साथ में अंबेडकर सभा के
कोषाध्यक्ष नानक चंद जी, इन्होंने हमारे समाज के बारे में बहुत अच्छा बताया। हम इनका संदेश आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।